नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है मैनेजमेंट अकाउंट की बुक और केजी पब्लिकेशन से, और इसमें चैप्टर चल रहा है आपका फंड फ्लो एनालिसिस। और लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। लॉन्ग क्वेश्चन ये फर्स्ट है आपका, यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप क्वेश्चन आराम से बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तर्तुल पढ़ के सुनाओ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो चीज बनानी है, फंड फ्लो स्टेटमेंट और स्केड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो हमारे सामने क्या क्या दिख रहा है, शेयर होल्डर फंड है, लायबिलिटी के अंदर है ना, शेयर कैपिटल है, मोर्टगेज लोन जो हम गिरवी रख के लोन लेते हैं वो उस तरह से दे रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस बनाना है। ठीक है, तो इसे बनाते हैं, पूरा करते हैं। क्वेश्चन आपने देख ही लिया, तो पहला स्टेटमेंट जो होता है, आप देखो बोर्ड भी साइज छोटा पड़ सकता है, तो हैंड टू हैंड नोट करते रहना आप लोग भी। ठीक है, कोशिश हमें तो देखो वर्किंग कैपिटल ही, करंट असेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए, उनसे काम चला लेंगे हम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जिसमें अभी इंक डाली उसी मार्कर से। यार सही से डाल दिया पोलियो, नई वाली इंक लाया मैं अभी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग का, भाई तेरी चलती नहीं रोशनी में, कोई किसी को दिखाई नहीं दिया कि हमने चलाया नहीं चलाया। इधर चलते हैं, थोड़ा टाइम लेगा इसे इसको रेस्ट देते हैं, पुराने वाले मार्कर से लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग का, तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये वाला बन रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर हो जाएगा प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और इफेक्ट के लिए दिखा देंगे, छोटा ही बनाएंगे क्योंकि आइटम बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर ईयर, हमें 2016-17 दे रखे ना, तो 2016 तो यहाँ लिखेंगे, 2017 यहाँ लिखेंगे, इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल WC। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, इसके लिए करेंगे। अब देखो करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटीज में होता है, ए में करंट एसेट्स और बी में करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज दिख रही है, डेटर स्टॉक और कैश एट बैंक। तो डेटर लिखते हैं, चल गया जाना आगे ना। हाँ, डेटर देखो प्रीवियस ईयर में है, 2016 के हिसाब से 1650 है और 1950। भाई वाह, मजा आ गया। अब आपको सिखा रखा है करंट एसेट्स बढ़ती है तो इंक्रीज में, घटती है तो डिक्रीज में। तो एसेट्स आपकी बढ़ रही है 300 रुपए से, तो इंक्रीज वाले कॉलम में दिखा देंगे, साथ साथ काम करते रहते हैं। ये भी स्टॉक, स्टॉक में क्या हो रहा है बेटा, 900 से 700 घट रही है, तो 200 रुपए डिक्रीज में चला जाएगा। कैश एट बैंक 400 से 900 हो गया, तो 500 रुपए इंक्रीज में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। इनको तो हम टोटल करके यहाँ लिख देते हैं। करंट लायबिलिटी में सिर्फ क्रिएटर का नाम दे रखा है, तो क्रिएटर एक अकेला ही आइटम है, तो क्रिएटर लिखते हैं। कितना था पहले, 900 से 500 करंट लायबिलिटी घट रही है तो बढ़ेगी, तो इंक्रीज में दिखाएंगे कितना, 400। ठीक है, फिर इसे टोटल कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं।
इसका टोटल बताओ तेल कितना आएगा, तुम इसका करो बेटा जल्दी से। तो इसका मैं करता हूँ 900 रुपये इसका है, 500 इसका है, थोड़ा क्या बात है, नई इंक का फायदा इससे है ना माशाल्लाह ना, दो चार इंक और ले आऊंगा इससे। इसका ना पहले वाले का, इसका होता है लास्ट वाले का, मेरे पास 10 फोन ही है। हाँ तुम ही कर दो फिर, 500, 2650, 3550, 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 3
है करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ए माइनस बी, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसमें से माइनस करेंगे तो 20 और इसमें से माइनस करेंगे तो 3050। आपको दिख रहा है ना पहले से बढ़ रही है, तो आपका इंक्रीज में आंसर आने वाला है। ये आप पहले ही सुन लाइन में जाएंगे ना कहाँ? हाँ एप्लीकेशन में। हाँ हाँ, तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया, तो तुम्हें ये चीज़ याद रहना चाहिए कि इंक्रीज हमेशा एप्लीकेशन में जाएगी, तो एमसीक्यू वगैरह हम पूछेगा तो बता देना उसको, है ना। तो 20 से 3050 हो रहा है, तो जो ज़्यादा वाला टोटल है वो दोनों तरफ लिखेंगे। आए हाय, आज तो लिखने में मज़ा आ रहा है भाई। एक दो इंक फिर मैं अभी जाके खरीद लूँगा उसे कि 20 वाली 5 दे दे। हाँ स्मूथ चल रहा है भाई। तो माइनस कर देंगे तो 1000 आ गया, टेंशन फ्री। तो इसे बोलते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब डब्ल्यू सी ली तो चल जाएगा ना। हाँ ये आ गया। अब इधर ही हम चलते हैं, तो बताओ ये साइड से 200 है, ये साइड बहुत सारी है, तो मतलब कितना हुआ? 500, 800, 1200। तो 1200 दोनों तरफ लिख के 200 माइनस कर देंगे तो 1000, यानी सेम आंसर आता है। इंक्रीज वाले में क्या होता है? दूर दूर आंसर आता है, डिक्रीज वाले में पास पास आंसर आता है। तो ये तो एक पहचान सी हो गई, है ना। तो अब इधर चलते हैं, अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। हाँ वही वाला। तो फंड फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट देखो, दो तो बोले हैं लेकिन कि हेल्प करने के लिए 3-4 अकाउंट और लिखवा रखे हैं उसमें फॉर्मेट में, तो उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो देखना पड़ेगा कंडीशन पूरा देख के, है ना। तो हमें अभी पहले ये लिख दिया हमने यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड ऑफ फंड आएगा रुपीस और एप्लीकेशन ऑफ फंड रुपीस साइन। ये हो गया। अब आप ये कहते हो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो ये तो इंक्रीज इधर आता है, इसको मैं यहाँ फिट कर दो, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 1000 रुपए। ये लाइन पर इसका अकाउंट बनाने का मकसद खत्म हो गया, यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब इसके अंदर जो आइटम है तो एक बार देखते हैं, शेयर स्टार्टिंग से देखते हैं। आप भी अपने स्क्रीनशॉट में देखना, शेयर कैपिटल लिखा है। शेयर कैपिटल पहले से बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। तो पैसे आ रहा होगा हमारे पास, है ना। शेयर कैपिटल जितना ज़्यादा होगा तो पहले से तो पैसा आएगा। तो हम लिखेंगे इशू, हाँ इसमें सोर्स में लिखूंगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना? 500 रुपये। अगला पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है हमारे पास, तो इसका अकाउंट बनाना पड़ता है, एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब इसके लिए तो और आइटम भी चाहिए है कि नहीं है? फिलहाल तो मैं इसी को डालूंगा भाई, चीज है तो फिर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बना के दिखाते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, छोटा ही बनाएंगे एडजस्टेड। स्टेटमेंट फॉर्म क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यहाँ दो प्रॉफिट है, ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ अगर सिंगल होता तो हम उसमें नहीं बनाते, फिर तो स्टेटमेंट फॉर्म बना देते पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो इसमें आता है बाय बैलेंस बीडी 1400 और इधर आता है टू बैलेंस सीडी। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास? 1450 और क्लोजिंग कितना है? 2450। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, डाल दिया। इसमें अगर कोई जैसे मतलब कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लॉस वगैरह नुकसान कुछ होता तो डालता, प्रॉफिट इधर डालता, है ना, कुछ होता तो नहीं है। हमारे क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन में देख लो कहीं भी ऐसा कोई आइटम नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, आगे हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे हम उसे। तो ज़्यादा टोटल कौन सा है? 2450
2485 यहाँ भी लिख के से माइनस किया, 1000 रुपए आएंगे, तो इसे बोलेंगे बाय एफ एफ ओ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं, ये आपका यहाँ पर रहेगा एफ एफ ओ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 1000 रुपए। तो ये लाइन हमारी उस चीज से क्लियर। मोर्टगेज लोन की तरफ चलोगे तो लोन पहले से बढ़ रहा है घट रहा है, पहले लोन तो था ही नहीं, अब लोन है तो लोन बढ़ने से पैसा आ रहा होगा, तो लोन रेज लिखना, लोन रेज 500 रुपए। मोर्टगेज लोन लिख के फायदा क्या, उसको लोन बढ़ाने घटा, मेन चीज तो ये दिखाना पड़ेगा ना, लोन तुमने लिख दिया, इससे आगे लिख सकते हैं मोर्टगेज लोन रेज के नाम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, 500 हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, क्रेडिटर तो हमने उसमें डाल दिया, छोड़ दो। फिक्स एसेट्स में आ जाओ, लैंड और प्लांट। लैंड आपकी पहले कितनी थी, 5, अब भी 5 है, कुछ बड़ी घटी नहीं। अगर फिक्स एसेट्स बढ़ती है तो हम कह रहे हैं खरीद रहे हैं, और घटती है तो बेच रहे हैं। ये सोचना पड़ता है ना भाई, फिक्स एसेट्स बढ़ी है तो बढ़ने का कारण क्या है, खरीद रहे होंगे, और घटी है तो घटने का कारण क्या है, बेच रहे होंगे, या फिर डेप लग रहा होगा। दो कारण होते हैं घटने के, तो बढ़ने का तो यही कारण खरीद रहे हैं, या तो डेप लग रही होगी घटने के कारण, यही दिखाऊंगा ना, डेप को तो हम यहाँ दिखाएंगे। और अगर फोरी फिक्स एसेट से ओ दे रखा हुआ एक्युमुलेटेड डेप, तो हमें दोनों अकाउंट और बनाने पड़ेंगे, फिर मेहनत और बढ़ जाएगी हमारी। हाँ, तो ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स बढ़ रही है तो खरीदने का कारण है, और अगर घट रही है तो या तो बेच रहे होंगे या फिर डेप लग रही होगी। तो इसमें तो कुछ नहीं हुआ। प्लांट एंड मशीनरी में क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कितने से, 1000 से, तो खरीद रहे होंगे, खरीद रहे हैं ना, और खरीदने पैसे जाता है तो एप्लीकेशन मान जाएंगे, तो परचेज। हाँ, ये तो चीज सोचनी है, प्लांट ये तो चलो हम टिक मार ले, ऐसे लिखने में आ जाते हैं, सोचने में टाइम ले लेते हैं, तो फिर 3 घंटे भी तो मिलेंगे, ये तो है। तो ये तो हो गया हमारे पास डेटर, स्टॉक, प्लांट, बाकी तो और कुछ है नहीं, ठीक है। तो बस अब उम्मीद करते हैं कि इतने ही से हमारा आंसर आ जाना चाहिए, कुछ और तो है नहीं, बस इसे टोटल करते हैं तो कितना आता है, 2000। और इसे टोटल करते हैं तो कितना आता है, 2000। यानी कि हम अपने मकसद में पूरे हो गए कि फंड कहाँ कहाँ यूज हुआ, कैसे कैसे पैसे आया फंड से, तो क्लियर हो गया। तो मुझे अब लग रहा है कि इसकी 5 बोतल मैं ले आऊँ, इसी की मार्केट की है, फ्लेयर कंपनी की है, पहले सेलो की आती थी, तो फ्लेयर का तो बढ़िया ही मामला है, अब 20 रुपये मिल रही तो बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए इंक लगाती है। नहीं तो ये तो इंक टैंक अलग ही चीज़ है, तो कितना बढ़िया दिख रहा है बच्चों को, मौज कर दिया ऐसा बोल रहे हो भैया है, चलो भैया। तो मेंबरशिप वगैरह लेना तो ले लेना, लेकिन ध्यान रखना कुछ मिलना नहीं उसमें, बस ये आप सपोर्ट कर सकते हो, ये तो मैं लाइन हर बार बोलता हूँ, कोई फंस ना जाए इसलिए। और इस चैप्टर में MCQ करने के लिए मैं 5 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन में 5 से 7 करने से आपको MCQ सारे सॉल्व हो जाएंगे, इतना तो मैं कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन जो बच्चा चाहता है कि हाँ और आगे होना चाहिए तो कमेंट कर देना, तो उसके बाद थोड़ा कोशिश करेंगे बनाने की वीडियो, ठीक है। तो हमारी कोशिश के साथ देने के लिए आप चाहे तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं इस फ्री वाली मुहिम को पूरा करने के लिए, अदरवाइज 5-7 क्वेश्चन करने से आपके MCQ हो जाएंगे, ठीक है। हाँ इसे बंद करता हूँ गेट को, आप वीडियो भी बंद कर रहा हूँ, आप नोट कर चुके होंगे, तो बस लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।